श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हमारा आपसे केवल इतना निवेदन, इस पूरे श्रोता भाई बहनों से केवल इतना सा निवेदन है कि जिस भूमि को, जिस मकान को, जिस जमीन को, जिस जायदाद को आप बनाना चाहते हैं, जिस प्लाट को आप निर्मित करना चाहते हैं। कई कई घर ऐसे किराए के मकान में रहते थे तो अच्छे रहते थे, जब से घर बनाया, प्रवेश करा, तब से रो रहे हैं। 25 बार वास्तु शास्त्री वालों को बुला लिया, उसने यहाँ से सीढ़ी तोड़ दो, यहाँ से बना दो, यहाँ बाथरूम तोड़ दो, यहाँ से बना दो, ये पीछे से रास्ता कर दो, यहाँ से बना दो। ईमानदारी से कहना, पहले के समय में क्या वास्तु शास्त्री होते थे? नहीं। घर के बुजुर्ग कहते थे, यहाँ कमरा बना दे बेटा, बेटा कमरा बना देगा, यहाँ रसोई घर बना दे बेटा। घर के बुजुर्ग कहते थे, वहाँ कमरा बनता था। घर के बुजुर्ग कहते थे, वहाँ पर भोजन बनता था। उसके बाद भी उनके घर में शांति होती थी, फिर भी उनके घर में समृद्धि होती थी, लक्ष्मी की कोई कमी नहीं होती थी। कमाते कम थे पर ऐश की जिंदगी जीते थे, सुखमय जीवन जीते थे। आज के जमाने में बेटा कमारा, बहू कमारी, पोता कमारा, पोती कमारी, दादा कमारा, सारा घर कमारा, उसके बाद भी सुख और समृद्धि और शांति नहीं है, उसके बाद भी आनंद की अनुभूति नहीं है, उसके बाद भी हमेशा रोना केवल सुख का होता है। जरा सा घर में 4 लोग रह रहे हैं पर 4ों के मुंह भगोने जैसे रहते हैं, एक तपेले जैसा मुंह, एक भगोने जैसा मुंह, एक थाली जैसा मुंह, एक बल्टोई जैसा मुंह, सब कोई बोलने को तैयार नहीं, क्योंकि जब जब बोले तो बर्तन की आवाज आए तो बोलेगी। एक माँ बेटी टीवी के सामने, एक माँ बेटी एक सोफे में बैठा, बोले ही नहीं आपस में, वो सुख गया कहां महाराज। कई लोगों के मैसेज आते हैं, गुरुजी हम बड़े दुखी हैं, कारण क्या है? बस कारण इतना सा है कि आपने जब मकान का निर्माण कराया, वास्तु शास्त्री को बुलाया, इंजीनियर को बुलाया, सब ठेकेदार को बुलाया, सबको बुलाकर मकान, प्लाट, जमीन, जायदाद सब दिखवाया, पर आपने उस भूमि पर, पद्म पुराण कहती है, धेनु मानस कहती है, स्कंद पुराण कहती है कि उस प्लाट पर आपने 3 दिन तक एक गौ माता को नहीं बांधा, 3 दिन तक एक गाय को उस प्लाट पर बांध कर चारा खिलाते। ना वास्तु शास्त्री को बुलाने की जरूरत पड़ती, ना कभी समृद्धि की, ना सुख की जरूरत पड़ती, क्योंकि गाय उस जगह से सारी इंद्रियों को आनंदित देकर सुख प्रदान कर देती है, उस जगह के सारी रोग, बीमारी, कष्ट, तकलीफ, दुख को गौ माता खींचती। गौ माता जैसी जगत में कोई नहीं हो सकता। हाथ में घड़ी नहीं बांधती गौ माता, पर 4 बजे आपके रोटी मिलती है तो 4 बजे खड़ी मिल जाती है, 3 बजे भोजन मिलता है तो 3 बजे आपके दरवाजे पे मिल जाती है, 1:30 बजे भोजन दोगे तो 1:30 बजे ही मिलेगी, 1:20 पे दोगे तो 1:20 पे ही मिलेगी, कोई घड़ी नहीं मानती, फिर भी समय पर आ जाता है। क्यों? क्योंकि भगवान ने उसको ऐसा बनाया है, 33 कोटि देवताओं ने उसमें ऐसा विराजमान कर दिया है कि जगत का वो कल्याण कर सकती है, उसका एक एक अंश जीव का कल्याण करने वाला है, एक एक अंश जगत का उद्धार करने वाला है। पर हम ये आज के युग में हम उसको भूल गए। आज के युग में हम ये सोचते हैं कि हम वास्तु शास्त्री को बुला लें, वो ये बता दे, हमने ये फ्लैट बनाया, हमने ये मकान बनाया, इसकी छत कैसी, इसका कमरा कैसा, वो बता देगा, सब कुछ बता देगा, उसके बाद भी लोगों के यहाँ सुख नहीं, उसके बाद भी शांति। फिर चलो तो चलो किसी बाबा जोगी क्या पूछ रहे, जो ऐसा घूम घूम के बताता, और उसके यहां जाकर पूछ लिया, बताओ बाबा जी हमारे घर में शांति नहीं, तो बाबा जी एक ही बात बोले, तेरे ही घर का है जिसने कुछ कर दिया। अब इसको याद आया 15 दिन पहले मेरी जेठानी से लड़ाई हुई थी, उसी ने कुछ करा होगा। अब बताओ बाबा जी ने आपस में ऐसा बीज बो दिया कि घर और जुड़ा हुआ था तो टूट गया। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। जय महाकाल। आज के उपाय की बात करें उससे पहले हमेशा की तरह आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर गुरुजी द्वारा बताए गए किसी भी उपाय से किसी भी प्रकार का अगर आपको लाभ हुआ है तो कमेंट में अपने पूरे नाम के साथ पूरा डिटेल में बताएं, ताकि अगले वीडियो में मैं आपका कमेंट दिखा सकूं, जिससे दूसरे लोगों को पता लगे कि किस उपाय से क्या लाभ होता है, और उन लोगों को भी जवाब मिले जो गलत कमेंट करते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता, उपाय करने से कोई लाभ नहीं होता, उन लोगों को भी तो जवाब देना जरूरी है। इसलिए मैं यही आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके ये बताएं कि आपको किस उपाय से क्या लाभ हुआ है। तो चलिए आज के उपाय की बात करते हैं। गुरु जी ने बताया कि हमारे घरों में वास्तु दोष क्यों होता है और इसका उपाय क्या है। बाकी बातों को छोड़ते हुए सीधा उपाय की बात करते हैं। गुरु जी के कहे के अनुसार अगर आप अपना घर बनाते समय कुछ बातों का ध्यान रखते हैं तो आपके घर में कभी भी वास्तु दोष नहीं होगा। अपना नया घर बनाना हो तो उस प्लाट में जहां आप घर बना रहे हैं उस जमीन में 3 दिन तक गौ माता को रखें, गौ माता की सेवा करें, गौ माता को हरा चारा खिलाएं। 3 दिन तक उस जगह में गौ माता को रखने के बाद, सेवा करने के बाद
आप उस जमीन के ऊपर, उस प्लाट के ऊपर अपने घर की नींव रखें। ऐसा करने से कभी भी आपके घर में वास्तु दोष नहीं होगा। घर में हमेशा सुख शांति बनी रहेगी। घर में लक्ष्मी की कोई कमी नहीं रहेगी। अगर आप भी नया घर बना रहे हैं या नया घर बनाने की सोच रहे हैं तो यह उपाय एक बार जरूर करें। अंत में यही कहूँगा कि मैं हमेशा आपके लिए गुरु जी पंडित प्रदीप जी मिश्रा द्वारा बताए गए उपाय लेकर आता हूँ और पूरा गुरु जी से सुनकर अच्छी तरह से आपको बताने की कोशिश भी करता हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।